नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सुहास आप सबका स्वागत करता हूँ इस गाइडेंस सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे कि जो सीबीओ, जो एसबीआई सीबीओ की अभी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए बच्चों की रिजल्ट आया है, और साथ साथ में पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का, इन दोनों का भी साथ में ही रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है। तो उस चीज़ के लिए हमें किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है खुद को। जनरली दोनों में भी कुछ पोर्शन कॉमन ही है, तो वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से हम उस गाइड इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट पे जब बोलूंगा कि एसबीआई सीबीओ, जो कि एसबीआई सीबीओ का भी रिजल्ट लगा है, उसके लिए क्या हमें लगने वाली है चीजें, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। बेसिकली देखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इंटरव्यू के लिए, 10th, 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप अभी जॉब कर रहे हो या फिर इससे पहले किया है, उसका सर्टिफिकेट रहेगा तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों भी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है वो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इंटरव्यू सेक्शन में। उसके बाद सैलरी स्लिप और फॉर्म नंबर 16 हमें हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है, या फिर ITR अगर आपने जो हर साल फाइल करते हैं हम, वो भी रहा ITR फाइल किया हुआ, ये वेरीफाइड होना चाहिए लेकिन, ओके तो वेरीफाइड रहा ये भी चल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बायोडाटा फॉर्म जो भी हम CV वगैरह प्रिपेयर करते हैं उस तरीके का ही, कॉल लेटर के एक प्रिंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए, आईडी प्रूफ्स में आप देख सकते हो कि आईडी प्रूफ में आधार, पैन कार्ड या फिर आपका जॉब का जो भी आईडी प्रूफ है वो भी साथ में रहेगा तो अच्छी बात है। तो देखिए ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमें प्रिपेयर करना है, इससे भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपके कॉल लेटर पर लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने एक जनरल व्यू से ये चीज़ें बताई हुई है। तो अगले स्लाइड पे देखते हैं कि और क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान देना है। ये PNB क्लर्क के लिए, PNB क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले उसकी लिस्ट है, उसमें भी लगभग सेम ही है, जैसे कि 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, उसके बाद 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कहीं पे जैसे कि स्टेट बोर्ड का है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है, कहीं इसमें सर्टिफिकेट की जगह पे कंबाइन देते हैं मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऐसा बोल के रहता है। तो जहाँ पे सर्टिफिकेट लागू है वहाँ पे सर्टिफिकेट रखिए, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, PG हुई तो PG सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ जो रेगुलर आईडी प्रूफ रहते हैं, आधार, पैन, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी को हम बिलोंग करते हैं उसको, इंटरव्यू कॉल लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म पेट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि PNB ऑफिसर के इंटरव्यू के लगे आपको लगेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इंटरव्यू जो रहता है वो चलता किस तरीके से है और किस दिशा में वो जाता है। जनरली इंटरव्यू जो होता है इन 4 सेक्टर में डिवाइड होता है। बहुत वीडियोस देखेंगे आप, आपको 3 मिलेंगे, कहीं पे कहीं HR है, कहीं पे बैंकिंग नॉलेज है, ग्रेजुएशन है, लेकिन करंट ये मैंने खुद एड एक्सपीरियंस से किया है कि जितने भी अभी तक मैंने जो भी लगभग 1000 के पास मैंने इंटरव्यू लिए हैं, मॉक इंटरव्यू जो भी हमारे क्लासेस में होते, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये चार्ट मैंने बनाया है। तो देखिए कि जनरली एक HR पोर्शन रहता है, 2 नंबर पे स्टैटिक बैंकिंग और 3 नंबर पे ग्रेजुएशन, 4 नंबर पे करंट और जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चंस कैसे रहते हैं हर एक इसमें, HR में देखेंगे कि हम जैसे बेसिक क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप जहां से आए हो उस प्लेस के बारे में बताइए, आपके हॉबीज बताइए, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ब्रीफ में कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। स्टैटिक बैंकिंग में क्या होता है, स्टैटिक बैंकिंग में जो डेटा हमेशा एक जैसा होता है, जैसे कि CRR क्या है, SLR क्या है, ऐसे क्वेश्चंस, या फिर जो भी करंट इसमें डिजिटल करेंसी आई है उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन जिस फील्ड में हमारा ग्रेजुएशन हुआ है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और वो जिस फील्ड में हमने काम किया है, वर्किंग डोमेन क्या था हमारा, किस डिपार्टमेंट में आप काम करते थे,
जनरली देखिए कि बैंकिंग के इसमें हम देखते हैं कि एक फ्रंट काउंटर फ्रंट डेस्क को कोई काम करता है, कोई लोन डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई अगर आरओ और एचओ को काम करते हैं तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इंस्पेक्शन होता है, ऑडिट होता है, अकाउंट्स होता है, किस किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, उस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे, अपने वर्क डोमेन के हिसाब से, और रिलेटेड क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन हमारा हुआ है उस फील्ड से भी आ सकते हैं। फोर्थ जो भी सेक्टर या फिर एस्पेक्ट है वो एक करंट, जैसे करंट में आएंगे क्वेश्चंस कैसे, करंट में क्वेश्चंस आते हैं कि अभी जो आरबीआई ने डिविडेंड गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है कितना अमाउंट है, उस डिविडेंड के लिए आरबीआई का इनकम सोर्स कौन से है, वहां से कहां से आरबीआई इनकम जनरेट करता है, ऐसी चीजें भी हो सकती है। रिसेंट में जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। जनरली इन चार सेक्टर में ही आपका इंटरव्यू घूमता है, चाहे वो इंटरव्यू आपका यूपीसी का हो, एमपीसी का हो, स्टेट सर्विसेज का हो, कुछ भी कहीं से भी वो इंटरव्यू हो आपका ऐसा ही घूमेगा। कॉर्पोरेट का इंटरव्यू थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जनरली जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते उनके इंटरव्यू ऐसे ही घूमते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे कि एक एक सेक्टर में कौन से क्वेश्चन आते हैं। जो स्टूडेंट्स खुद होके भी सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से हमने तैयारी करनी चाहिए, किस दिशा में हमने तैयारी करनी चाहिए। ये चार सेक्टर है, लेकिन अगर हम एक ही इस पर कुछ भी फोकस करेंगे तो उसमें से एक दो क्वेश्चन आएंगे, बाकी के दो तीन का क्या होगा। इसलिए इंटरव्यू जो होगा इस एस्पेक्ट में ही डिवाइड होगा और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा हमें। देखिए एचआर एस्पेक्ट में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट जॉब प्रोफाइल, कुछ प्रोडक्ट बेचे हो, अचीवमेंट्स है अबाउट, अगर आपने मणिपाल से कुछ किया है उसके लिए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी, वाई एस बी और पीएनबी, ये कुछ बेसिक एग्जांपल है। जनरली ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को पूछे हुए हैं। ओके, इसके साथ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसके बाद आप जहां से बिलोंग करते हो, जो नेटिव प्लेस है आपका उसके बारे में बताइए, वहां से कुछ स्पेशल चीजें, जैसे कि कुछ कुछ जगहों पे जीआई टैग है उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, कोई जगह होती है उसके लिए हिस्टोरिकली फेमस है, कोई जियोग्राफिकली फेमस है, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी को कुछ है वर्ल्ड हेरिटेज में नाम है, तो ऐसी चीजें है जो हमें पूछ सकते हैं। ये था एचआर एस्पेक्ट ऑफ योर इंटरव्यू। तो आगे देखते हैं, स्टैटिक बैंकिंग में क्या पूछ सकते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन होता है, जो भी हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जिस भी बैंक में, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, जिस भी बैंक में जाएंगे आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। अब ये स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंस है, क्रेडिट ऑफिसर एसबीओ तो उनको एसबीओ का, तो इसलिए उसको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडल क्या होते हैं, रेशियो एनालिसिस क्या होते हैं, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, इंडियन कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट पे आपको क्वेश्चंस हो सकता है। बेसिकली सीबीओ, क्योंकि सीबीओ का वर्क एक्सपीरियंस है, सीबीओ में जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले, उन्होंने हर जगह पे अलग अलग जगह पे काम किया है, किसी ने फ्रंट डेस्क पे काम किया है, किसी ने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में काम किया है, किसी ने ऑडिट में किया है, किसी ने रिकवरी में किया है, तो रिलेटेड प्रोफाइल रहेगी उनकी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो उन्हें पूछे जा सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस पे क्या पूछा जा सकता है, मैंने आपको बोला कि जो एस्पेक्ट है हमारा ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए एक रह सकता है वर्किंग, करंटली कहां पे वर्क कर रहे हो, उसका डोमेन क्या है, जैसे कि रिकवरी का है, क्रेडिट का है, इंस्पेक्शन का है, ऑडिट का है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको पूछ सकते हैं। कुछ अचीवमेंट्स किए हैं कि आपके जॉब में, वो भी पूछ सकते हैं। ग्रेजुएशन नॉलेज कैसा है, किसी ने एमबीए फाइनेंस किया है, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी का लॉ हुआ है, किसी का और कुछ हुआ है, तो रिलेटेड क्वेश्चंस टू द ग्रेजुएशन वो भी हो सकते। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ करंट एक्सपीरियंस एंड न्यू असाइनमेंट, इन न्यू असाइनमेंट आपका जो भी एक्सपीरियंस है बैंक का, जिस डोमेन में आपने काम किया है और ग्रेजुएशन का जो नॉलेज है उसका एक्सपीरियंस आप अपने नए असाइनमेंट में, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो किसी पोस्ट के लिए सीबीओ या पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर, तो आप उसको कैसा यूज करोगे, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं।
ये होगा ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्सपीरियंस का एस्पेक्ट। आगे जाएंगे स्टैटिक बैंकिंग का जो पोर्शन है थोड़ा डीप में देखेंगे, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के लिए स्पेशली। देखिए पीएनबी के लिए क्या पूछ सकते हैं, अब ये मैं बोल रहा हूँ रिलेटेड टू पंजाब नेशनल बैंक का जो क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए। ऑफकोर्स स्पेसिफिकली क्रेडिट ऑफिसर का है तो उसको स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है। कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको क्या इनपुट मिल सकता है मेरे से। देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट डिलीवरी, क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट रेटिंग। रेटिंग में जैसे अपना सिबिल स्कोर आएगा, क्रेडिट अप्रेजल में उसकी जो नोट बनते हैं हम सैंक्शन नोट बोलते हैं उसको, अप्रेजल नोट, सैंक्शन नोट, वो जैसे प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कौन से रेशोज यूज किए जाते हैं, जैसे कि नायक कमेटी यूज करती है, ईयरली टर्न ओवर मेथड रहती है, या फिर आईटीआर रिटर्न का एवरेज रहता है, जो भी हम यूज करते हैं उस हिसाब से हमें आंसर देना होता है। एडिशनल क्या होता है, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे बोला मैंने बैलेंस शीट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसके एनालिसिस हो सकता है। रेशो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज, जैसे सीडी रेशो है, क्विक रेशो है, क्विक एसेट क्या है, ऐसे कुछ चीजें भी आपको पूछी जा सकती है। डीएससीआर रेशो जो भी हमें बहुत जरूरी होता है, तो वो सारे रेशो आपको पूछ सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी वाले में पूछ सकते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट अप्रेजल, जो अप्रेजल नोट मैंने बोला है कि कोई प्रोजेक्ट आता है सामने अपने तो उसको कैसे अप्रेज किया जाता है, कैसे नोट लिखी जाती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स, कैसी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, रेगुलेटरी बॉडीज, उसमें सीबीबी आएगा, आरबीआई आएगा, आईआरडीए आएगा, पेंशन फंड का भी आएगा, पीएफआरडीए, मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो भी ट्रेडिंग के लिए जैसे जो भी यूज करते हैं, या फिर मनी रेज करने के लिए बैंक जो यूज करती है, नोटिस मनी, कॉल मनी, वो चीजें आपको पूछी जा सकती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कैलकुलेशन रहता है कि अगर मैंने 10 लाख रुपए का लोन आज दिया है तो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, या फ्यूचर वैल्यू जो है मनी का 20 लाख रुपए वो आज क्या करंट वैल्यू है, तो ये जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। डेरिवेटिव्स का बेसिस, लेवरेजेस बोल सकते हैं, कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, स्पेशली फॉर पीएनबी। ये पीएनबी का ऑफकोर्स रिलेटेड टू क्रेडिट है, तो क्रेडिट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी और पूछी जाएगी। बेसिकली फ्रेंड्स ये था कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है और जो बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, एक जनरल व्यू था, क्योंकि स्पेसिफिक हर एक इंसान का, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग ग्रेजुएशन रहता है, अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस रहता है, उस हिसाब से उनके क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं। जो मैंने आपको बताया एक जनरल लेवल पे थे, अब बेसिकली अब मुझे बताना यह है कि संकल्प एजुकेशन की तरफ से जो भी बैच लॉन्च की जाने वाली है, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, आपकी चॉइस है इसे सेलेक्ट करना है नहीं करना है, बैच को एनरोल करना है नहीं करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन है समझ लीजिए। जनरली इस बैच में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में मार्क्स दिए जाएंगे। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मार्क्स रहेंगे, जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टेट है वो ऑनलाइन मॉक दे सकते हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट्स छत्रपति संभाजीनगर में आ सकते हैं महाराष्ट्र में, वो यहाँ आके मॉक दे सकते हैं। इस बैच में और क्या चीज़ें रहेंगी, स्पेशल गाइडेंस सेशन जो रहेगा वो रहेगा लाइव, वन टू वन इंट्रैक्शन विद स्टूडेंट्स, मतलब जो भी हमारा सेशन चलने वाला है वन टू वन रहेगा, जो भी डाउट रहेगा आप डायरेक्टली फैकल्टी से पूछ सकते हो। कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताता हूँ, हर स्टूडेंट को उसका जो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस है उसका एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मतलब वो किस तरीके से अपने खुद को अपेयर कर रहा है, किस तरीके से एक्सपीरियंस लेके अपना इंटरव्यू डिलीवर कर रहा है, उसका सारा फेशियल एक्सप्रेशन सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उसका बेनिफिट ये है कि खुद को आप एनालाइज कर सकते हो कि मैं कहाँ पे कम हूँ, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो को देख के कर सकते हो। उसके बाद मॉक इंटरव्यू के पैनल्स कैसे रहेंगे,
बेसिकली हमें ये जो पोर्शन मैंने अभी दिखाया सारी चीज़ों का, कि इस तरीके से बैच में वीडियो लेक्चर्स वगैरह होंगे, इस बैच में 4 से 5 आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि HR, उसके बाद आपका जो भी ग्रेजुएशन पोर्शन है, उसके बाद करंट पोर्शन है, सारी चीज़ों को मिला के आपको एक अच्छा सा गाइडेंस सेशन मिल जाएगा उसमें। उसके बाद जो हमारे इंटरव्यूज रहेंगे, इंटरव्यू रहेंगे कैसे, इसके लिए 2 पैनल रहने वाले, एक वीक में एक पैनल में 4 पैनलिस्ट रहेंगे। मतलब जो बच्चे को इंटरव्यू, जो स्टूडेंट को एक इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दिया है, उसको 2 पैनल में पैनल्स का एक पैनल रहेगा, 2 पैनलिस्ट का एक पैनल रहेगा। उसके बाद दूसरा इंटरव्यू जो मॉक देगा वो, उसको फिर फुल पैनलिस्ट के साथ, मतलब 4 जो 4 पैनलिस्ट का एक पैनल रहेगा, उसमें उसको एक मॉक देने का चांस मिलेगा। जनरली रेगुलर बेसिस पे 2 पैनल मेंबर का पैनल रहेगा और वीक में एक बार 4 पैनल मेंबर का एक पैनल बनेगा, उसमें उसका इंटरव्यू होगा और वो 4 पैनलिस्ट उस स्टूडेंट की पूरी एनालिसिस करेंगे इंटरव्यू की। पैनल में कौन कौन है यहाँ पे देख सकते हो, निखिल सर है, जैन सर है, उसके बाद समीर सर है और मैं खुद हूँ। सबका एक रिलेटेड एक्सपीरियंस है, समीर सर का 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, निखिल सर का 12 ईयर्स का है, जैन सर का 12 ईयर्स का, मेरा खुद 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बैंक का, और एडिशनली लगभग 1 साल से मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ, तो उसका एक अलग से एक्सपीरियंस है। एक इन शॉर्ट मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ, ये SBI CBU की बैच है और वो PNB की थी। जो फैकल्टीज इंटरव्यू लेंगे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ मैं। देखिए जैन सर है, उन्होंने 12 साल का एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, उसके बाद वो जनरल इंश्योरेंस में भी काम कर चुके हैं लगभग 5 साल के लिए, और उनका फाइनल सिलेक्शन SBI PO बोल के भी हुआ है। ये जैन सर के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके बाद समीर सर के बारे में, समीर सर भी लगभग वहाँ पे 8 लिखा है, लगभग 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको, उनका भी BCOM CS हुआ है, उन्होंने भी SBI PO क्रैक किया हुआ है, लॉ CET भी उन्होंने टॉप की हुई है। तो ये उनका बेसिक चीज़ें हो गई। प्रशांत सर के बाद, ये एग्री स्पेशलिस्ट है, एग्री रिलेटेड कोई स्टूडेंट है जिसका ग्रेजुएशन एग्री में हुआ है, तो उसको ऑफकोर्स बहुत अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं एग्री के नॉलेज को, और क्वेश्चनिंग कैसे आ सकती है उसको भी प्रिपेयर कर सकते। तो सर का खुद का एक्सपीरियंस है, लगभग वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का है। ओके, इनका बैंक का वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का है, और बैंक में इनका लगभग 3 बैंक में इनका फाइनल सिलेक्शन एज AFO बोल के हुआ था, और उन्होंने लगभग 3 साल तक काम भी किया है, और उनका रेगुलर टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है और इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस है। ये मैं खुद हूँ, मैंने लगभग 9 ईयर्स तक बैंक में काम किया है, उसके बाद मेरा ये क्वालिफिकेशन है MCA LLB, ये मेरे कुछ फाइनल सिलेक्शन है, और मेरे JIB CIB और IIBF कुछ सर्टिफिकेशन है। तो ये सारी टीम आपको एनालाइज करेगी और आपको आपके इंटरव्यू को बेटर डिलीवर करने में मदद करेगी और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मदद करेगी। तो ये मेरे कुछ बैच के लिए इम्पोर्टेंट माहिती थी, इंफॉर्मेशन थी। एक स्पेशल और क्या वो, उसको एक ओपन ग्रुप बनाया हुआ है जो कि आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। बैच के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये iProtham ऐप डाउनलोड कीजिए। ओके, iProtham ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सारी डिटेल्स जान पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।